नादर बनमाश जनाब दे इलाके इलाका पाबंद होके आया सर। एनू तो लित्र मार के थाने चादरी लवान का टाइम दस के दफा कर दियो। जुए दी दरी तेरी मेहनत से बिछा दिया। तू बदमाश है, फाइल पढ़ के वेखाने सारा। मोटे नाल देसी शराब से दो मटके रख के मले किसी मस्ती दो टिके मार के बंदा बदनाम पे हो सकता है नादर, बदमाश नहीं बन सकता। बदमाश से इस इलाके सिर्फ बाबर सी। जो गांव शरीफ होया किसी लम्मा कुर्ता पान की जरूरत नहीं हुई। तू तो मेरे छी छित्र नहीं खा सकता। ओनू टिक टिकी से सौन की आदत सी। ये तेरी खुशबख्ती है जो दस तू इस इलाके आया। घर में अपनिया दो जवान पैरों नू देख के बदमाशी छड़ चुका। अरे मुंह लगी तो शराबी ने कभी शराब नहीं छड़ी थाने सारा। अरे झूठे बदमाशी क्यों बदमाशी छड़ दी? चुप करके मेरे को लित्र खा लिया बदमाशा। जे ओ तेरे सामने आ गया तो तू बदमाशी तक की इलाका बचा देगा। फिर अपने लिस्टर ते ला के रख थाने सारा। जे मैं उसकी लाश न लिया सकिया कर खाना। मैं तो थोड़ी बड़ी मेहनत की है बलवान जी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी लंघ जान दे। थाने दार दे मुंह तेरिया बड़िया तमा सुनिया ने सारे वेख के मेनू अग चुप के शर्म आती। तू क्यों जी बदमाश है? मैं बदमाशी छड़ दी है बलवान जी, हूं तो सिर सुट के जिंदगी गुजार रहा वहां। अल्लाह तौला भला करे जाओ तुर जा इतों तो मैनू जिंदा रहन। लैन से मैं तेरी जान आया वा पर भेटा हलाल करनिया बदमाशा का कम नहीं कसाइया का कम है। दस सूरमा कितने मोल भी बुला दिता। ए शराफत मैनू मेरी भैन ने सिखाई है भगवान जी। इस तेरे को तगड़ी तेरी भैन हुई ना क्यों ना सिद्धा वे को चला जावा। मैं बदमाशी छी है जे तुसी बंदे दे पुत्तर न बने तो भैन की हिफाजत नहीं बदमाशी क्यों ना रह जाऊंगा। Thank you.
ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਚੱਲ अपने थाने कदर बनवा लिया थानेदारा जे मैं सफाई शुरू कर दी तेरे थाने दे आसे पासे नशे दे ढेर लग जाने नी मेरी एक गल मनो थानेदार साहब मैनू इन्हां बदमाशां दा हैडमास्टर ना बनन देना मेरे मोढ़े ते बड़े भार दे थानेदार सी रब दा वास्ता जे उन्हां नू ले जान देना तेरे कपड़े च मैल कढ़दिया कढ़दिया रात ही पा देंगे साडे लई ते अहे दुख काफी है वीरा साडा भार लाने दी खातर तू मरा पार्क खेड के अपना पिंडा पसीनो पसीनी कर लैना इन्हां नूं काम तो ना रोकिया कर ये काम चोर हो गई ने सौरा कर दिता ने सुन सुन के इन्हां दिक लग जानी है ओहो मां जी मैं गल की कर बैठा कि बस वाद ही शुरू हो गया हेलो पैसे नाले मुला कि गया फिर तो नौकरी लभन गया है नौकरी लभन हिम्मत कि दी है मां भाइया मैनू हूं कुछ ना कम मैं उन्हें कुछ नहीं किया आपे किताबा सुट के बड़बड़ करता तुर गया मैं तो उन्हें समझाती रही हूँ कि तेरे वीर ने बदमाशी इस शर्त से छड़ी है कि तू सिर्फ पढ़ेगा पर उन्हें मेरी कि नहीं सुनी कोई गल नहीं मां उन्होंने आ लिया दस तेरे टैलेंट नाल तारिक ने आते नहीं जाना वह क्यों उड़ीक रहा मैं उसका भरा हां मां मैनू उसके बगैर चैन नहीं आ सकता जो कुछ देर होर मैनू नजर ना आया तो मेरी अखा के अंधेरा आ जाएगा मां अंधेरा आ जाएगा लाला बंद कर लैन देना कमदाता जो कला रह जाएगा ते जिन्या टाइम मजदूरियां लभ ली असा क्या कबर चो बाहर आके तेरी भाप लेनी है बेईमाना ये क्यों भुल गया कि साडा मरण वाला प्यो मैनू तेरा प्यो बना गया सी सोचे ते मेरे तेरे नाल दो रिश्ते ने बस तू है कि ना तेन लाले दे रिश्ते की परवाह है ना ही प्यो दे रिश्ते की परवाह है जवान पुत्र प्यू का पार बनाने का भी हक ला ला जे गा बन के पूछ रहे तो फिर याद रख इना पैणा तुक्कर ला भी जमया मैं भी जमया
इन्हों की डोली का बांस मेरे मोडे से भी होगा। बार इना वड्डा दिने सी जिनू तेरा लाला कल्या नहीं सी चुक सकता। सठ सत्तर रुपए रोज की मजदूरी करके लैना लाला, मकान का किराया मेरिया फीसा ते करदे खर्चे पूरे करदे करदे मुक जाते नहीं। आज तक इन्हों ने एक सूई नहीं आई ते दाज बनते हम बनते इन्हों के सिरे चिट्टे आ गए लाला। बचे किवे बचन गए, बचे किवे बचन गए। भाई माना क्यों नहीं कहना कि तेरा अपने लाले तो मार टुट गया। एक गल नहीं लाला, जदों मले दियां औरतां हर दूजे दिन मेरी मां कोलो बानो ते गुडो ते ज्यादा पुछदियां ने ते मेरा मर जानू जी करदा है। तेनू दो रिश्ते वास्ते लाला मैं प्रदेश जानते रह के इना वड्डा सफर नहीं हो सकना लाला, नहीं हो सकना। चुप कर जा है जिनू मैं अखां तो लिया नहीं देख सकता, उन्हों मैं समुद्रा पार किवें जान दिया। सारी जिंदगी दे सुख कट्ठे करन ले कुछ दिनों दे दुख झेले लाला। लाला तेरे सामने तारक ते सुहेल मेरे नाल पढ़ते पढ़ते लंदन गए ने, मैं भी उत्थे जाके नौकरी करांगा ते तारक दी तरह नाल नाल पढ़ाई भी जारी रखांगा। तारक ठीक है, कुछ दिनों ले तू भी दिल से पत्थर रख ले ते मैं भी अपने आप में समझा लेनी हूं। ओ बेईमाना, मैनू तो पता ही अज लगा है कि भैं जवान हो जा कि भारिया हो जाए। चला जाए भाइया चला जाए। लाला लै भाई तारक तेरी जिद ने साना सारा दौर तोड़ दिते, पर उन्हें गल मेरी याद रखी कि जो तो लंदन जावे ना तो उसे जाके अपने घर ही रवी, दोस्तों जाने को रवी। वो खेड़ा वो तेरी होने वाली भरजाई लंदन च रही है ना। अच्छा 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 अच्छा, वो अपनी राणो? ना जी ना ना ना, वो निके होंद बड़े डंडे मारती थी तो हूं तो फुट दो फुट उची हो गई होनी। मैनू सत समुंदर पार जाके धोन का कोई शौक नहीं। जा नलैका तो मेरे को तेन मिलने का शौक है, हर खाते जे लिख दी कि तारक का की हाल है, तारक मैं बड़ा याद आता। पर लाला जे 10 साल वलैत रह के वह दिमाग भी वलैती हो गया ना तो फिर मैं उन्होंने भाभी नहीं हूं मनना। हां ओए नलैका इधर वे अज भी पेती लगती है कि नहीं? लो जी तस्वीर तो बंदे की धी लग रही है। अच्छा तू उन्हें संभाल के कोल रख, नाले मेरी गल सुन यार। जान लगा मां नूं ते पैणा नूं तसली देके जाई, जे तू उन्हें रोंदा छड़ गया ना तो साढ़े को भैया एक रात की नहीं गुजारी जानी। पर लाला मां ने ते तेरे को आप मैंने इजाजत लैके दी। तू चले का चले ही है, उन्हें एक दुख कटन उस तो वड्डा भार अपने सीने से रख लिया, हूँ बहुत ही देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पगला तू जान लगे यार वो तसली देके जाएगी। चल अब तेरी खैर करे। गुड्डो की गल है गुड्डो, तू दास है? मेरा तो वाकई प्रदेश जा रहे हैं। चलिए मेरी तो सीट भी बुक हो गई है, तन कोई खुशी नहीं हो? मैं लंदन जा रहे। तू घरों बाहर जावे तो मन चैन नहीं सी आता वीरा, सच समुद्रों पार तो मेरिया सोचा भी तेरे तक नहीं पहुंच सकती। मैं हमेशा लिए तो नहीं जा रहा, चलिए साल दो साल की गल है फिर सारे कर ले खुशियों की पंड लैके आवांगा। पर तेरे बगैर जिन्हें एक सह भी लेना औखा हो जाता वीरा, दो साल किवें गुजारेगी? चलिए तू इत्थे कल्ली तो नहीं, इत्थे तेरे कोल मां है, बाबर है,
थानों है, होर तेन की चाहिए? सारे झिड़कते सन, तू मना लेना सा मेरा, किसी शहर की जिद कर दी तू पूरी कर देना से। कौन मनावेगा मेरा, कौन मनावेगा? ओए मेरी निकी तू मैंने अपनी हर से तक मैं तेरिया सारिया जिदा पूरी करा था। मैं लंदन च तेरे लिए की लैके
जवाब मेरी जेब सिर्फ 10 पैसे ने ते मैं सवेर का भुखा वा पहले मैं रोटी खवा तो उस तो बाद मैं सारे लंदन की सैर कराए यार मैं एक बड़ी जरूरी दावत से जा रहा यार मैं अपने होटल का फोन नंबर दी तो शाम को मिलकर तो मुलाकात हुई अच्छा खुदा हाफिज़ खेडा होंगे जेबा होंगे वादी भाव कई कर चके पूरा शोरों
पर की करिए, मुकद्दर कदी कदी अपने अच्छे जहर पीन से मजबूर कर देते हैं। लवे भगवान असी ना हूं तेरी कोई शिकायत नहीं ला मेहरबानी यार, पर तू ही साढ़े ना वादा कर कि तू रानू यही नहीं दसेगा कि मैं इतने रहना है यार। घड़ी दी घड़ी रहना, सानू नौकरी मिल गई तो वापस चल जाओ। नौकरी किस तरह मिल सकती है? नौकरी नहीं करी थी पागल खाने मिलता है शुरू कर दे। अमर काम मिल जाएगा ना मिले तो फिर ट्रक की नजर हो जाएगा। मरना पवे उस जिंदगी नू एक दम खत्म कर देना ही अकलमंदी है। जे जिंदगी तो नफरत तैनू कम लभदी होई है ते कम तैनू मैं देंगा जवाना। अथरू पूंज सच से सब मैं इस मुल्क झूठ नहीं बोलिया जांदा। तू गड्डी चलानी जानना
जी हाँ सेठ साहब, मेरे को लाइसेंस भी है। फिर तो ठीक है, ऐ मेरा पता ही, मेरा गड्डिया का कारोबार है, कल मेरे गराज च आ जाई ते गड्डी चलानी शुरू कर दे। तड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी सेठ साहब, मैं तड़ा एहसान सारी जिंदगी नहीं ला सकंगा। एहसान दी कोई गल नहीं जवाना। अच्छा फिर खुदा खुदा हाफिज़ जी। तेरा बाबर कहंदा सी कि मैं पैना दा पार नहीं चुक सकता, ते असी चुके मुखातिब है, ते हुण इंशाल्लाह एक साल दे अंदर अंदर दोनों दा व्याह कर देंगा। ते उस तो बाद जानी तेरा व्याह भी मैं ही करना है। जो जेलो आना है तो मेरे सारे बार लै चुके आने, तो फिर मैं हसांगा। तो तू ही बाबर नु सामने देख के यही कहना है ना कि तेरे बल तकना तकिया नहीं रचना। तेरे बल तकना तकिया नहीं रचना। जिंदगी दा मजा लेना छोड़िया, तेरे बल तकना तकिया नहीं रचना। Thank you.
अपने भरा तो होने वाली भरजाई लंदन दिया सड़कों से हसते खुश होंगे एक दूसरे के पिछे नचते गाते हुए तेरे भरा का ना शौक तो नहीं सुमरे खाब नहीं देखी दे चलिया अपने खाबों की तबीर वेखण लिये मैं सब समंदर पार आया खाब देखने छ अपने भरा को इतने बुला ऐसू ना जेल सुन दी है तेरे भरा उम्र कैदी सुना मैं दुआ की मतलब मेरा मतलब ले चार कलरे भरा ने नहीं नहीं हाले ना मैं ते ना मेरे भरा असि दो ने व्याह नहीं तुम्हारे को कमी साढ़े च कोई कमी नहीं पर साढ़े मोढ़िया ते साढ़ी दो भैन का भार ही जाके पैर धो गया मैं चुमने पहले पूरा खत पढ़ ओहो
हाँ तो लिखता है कि मैनू एक शरीफ आदमी ने चलाने लई गड्डी दे दी है तो हुण रब ने चाहे तो बड़ी छेती गुड्डो ते राव दा पार भी ला देंगा। वाह मुन्ने जरा काम सब तो वड्डा बदमाश नहीं कर सकिया और तू का जमखाता है।
पहले पेमेंट प्लीज। हाँ फिर ब्रीफकेस तो टैक्सी में रह गया और जिस टैक्सी में मैं आया हूँ उसका ड्राइवर शक्ल से मुझे जरूरतमंद लग रहा था। उम्मीद करते सुन। यस सर। ऐसे दस तू हफ्ते से किन्ने पाउंड कमा लेना है? क्योंकि टिप कभी नहीं लेते शेर साहब, इसलिए ज्यादा तो ज्यादा 50 pounds बच जाते। सिर्फ 50 pounds? एंड कर तू मेरा ड्राइवर बन जा, मैं तेरे रिहायश और खुराक के अलावा 500 pounds माहवार तनख्वाह दिया कराना। जी 500 pounds माहवार? यानी 10,000 rupees पाकिस्तानी? लंदन की पुलिस एड्डी कमजोर है? कमजोर नहीं, ऐसे भी बड़े बड़े तीन चार चार छुपाते आते ने, वो आप बड़ा ताकत वाले धरती से मैं प्रा पावर तो बस ताकत वाल झोली पिछे पटाखे लुटन आए। लंदन की पुलिस को कहो जो मैंने जा दे मैं जैक पाल करते। तुमने मुझे पकड़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन नाकाम रहा। कमिश्नर, तुम और तुम्हारे मुल्क का पूरा फोर्स मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं तुम्हें ये वक्त से पहले बता रहा हूँ कि तुम्हारे मुल्क का सबसे बड़े बैंक को हम लूटेगा। ये मेरा फैसला है और तुम्हारे लिए चैलेंज भी। तुम्हारा दुश्मन जैक पॉल। जैक पॉल, जैक पॉल! आज बैंक ऑफ इंग्लैंड लूटने का धमकी मिला है, कल कोहिनूर हीरा चुराने का धमकी मिल जाएगा। अगर वाकई कल बैंक लूट गया तो आई शूट यू। लेकिन सर, हर पुलिस ऑफिसर का, हत्या के आपका भी मास चेक के पास मौजूद है। जासूसी उसका हमसे ज्यादा अच्छा है। आप बोलो ऐसा हालात में हम क्या कर सकता है? आई डोंट नो। अगर कल चेक न मरा तो हम मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले हम तुम सबको शूट करते हैं। हमको मालूम था कल हमारा लाइफ का लास्ट डे है। नहीं मैनेजर, कदम कदम पर फहरा है, अब पहरादार का 4 आंखें हैं। देखा अगर सुलेमानी टोपी पहनकर भी आएगा तो नहीं पड़ सकेगा। सर, मौत लेट हो सकता है लेकिन चेक लेट नहीं हो सकता। वो ठीक 12 बजे आएगा। घबराओ नहीं, घड़ियां 12 बजा कर थक जाएगा लेकिन चेक नहीं आएगा। और अगर चेक आ गया तो घड़ी की सुइयां चलती रहेगी, चेक का सांस रुक जाएगा।
था कानून कांपा तूफान थरथराया तो हमें यकीन आ गया जैकपॉट आने वाला है। लेकिन आ जाते ही पुलिस क्यों पीछे लग गई? लेकिन हमें खुद हैरानी है कि ये पुलिस हमें क्यों देखना चाहती है। बहरहाल हमें पुलिस से बचना चाहिए। लंदन का हर आदमी पुलिस की वर्दी पहन ले तो मेरे हाथों हुए जैक पॉल के पांव नहीं देख सकता, पांव में पेड़ियां कैसे बना सकता है। तेरी ये जुरत देखकर मेरा दिल और बड़ा हो गया। ये जैक पॉल के लिए बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे इस अड्डे की दीवारों में कहीं न कहीं कोई चोर तड़पा रहा है। जवाब दो! मेरे आने की इत्तला पुलिस तक किस चोर दरवाजे से पहुंच जाती है? मेरे होते हुए यहां कोई गद्दार जन्म नहीं ले सकता जैक। लेकिन मैं शाम होने से पहले पहले उस मुखबिर को देखना चाहता हूँ। इसका सुराग भी आपका भाई ग्रैम को लगाएगा। तो फिर जाओ, मुझे तेरा इंतजार रहेगा। मुखबर का नाम सेठ शौकत है जैक। हाँ, उसे अंगारों पर चलने का बड़ा शौक है। तुमने जैक के दुश्मन को देखा और उसे जिंदा छोड़ा है। जी तो करता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। डोंट वरी ब्लैक ब्यूटी, मैं अभी उस मुखबर की खोपड़ी गोलियों से छलनी कर दूंगा। नो, ये कोई सजा नहीं है। डन से गोली, डन से मौत, ये बहुत आसान मौत है। उस दौलत के पुजारी की सारी दौलत छीन कर ले आओ। जड़ें कट गईं तो दरख्त खुद ब खुद सूख जाएगा। जाओ! पर फोन करके कमिश्नर को बताओ कि जैक पॉल का भाई ग्रैंगो मुझे लूटने के लिए आया है। जैक पॉल का भाई ग्रैंगो? हाँ, ग्रैंगो। इस वक्त सिर्फ 10,00,000 रुपए हैं, ले जा, बाकी बैंक में चेक ले जा। चेक कैश करा के रखो, फिर आऊंगा। ओके।
शायद तुम जैसी दो चार लड़कियां और होती, इन जैसे गिरने वाले लंबर न होते। इनका कोई कसूर नहीं जाए, तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं गिरा सकती। और तुम भी मुझे सिर्फ प्यार से गिरा सकते हो। तुम इसलिए ताकतवर हो डियर कि तुम जयपाल के साय में सांस लेती हो, और जयपाल के साय में गीदड़ शेर को भी खा जाता है। बॉस, कमिश्नर ने आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर कहो। तुमने ठीक सुना है जय, कभी कभी खुदा कयामत आने की निशानियां बताया करता है, और ये भी कयामत की ही एक निशानी है। अगर ये सच है तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। जाओ कमिश्नर को जाके इत्तला करो कि ठीक 12 बजे ये कयामत उसके सर पर टूटेगी। जाओ। जिस काम को आप 12 इयर्स में नहीं किया, इंस्पेक्टर ट्रेवर ने उसको ओनली 1 मंथ में किया। लुक, आपके सामने चेक का भाई क्रेंगो खड़ा है। चेक का भाई क्रेंगो, क्या बात है सर? तुम खुश होने के बजाय सोच में पड़ गया। जिस चेक पावल को यूरोप का पुलिस सबक चक्री दे सका, हम उसका भाई को पकड़ के लाया है। लेकिन तुम इसको बाद में इधर लेकर आया है। डेथ फोन का धमकी पहले मिल गया है कि ठीक 12 बजे वो अपने भाई को भी ले जाएगा और तुम को भी। व्हाइट, कमिश्नर ने ऐसा जबान में बात नहीं किया इंस्पेक्टर, जिसको तुम नहीं समझ सका। तुम इसको काबू में रखो। हम चेक फोन का नाकाबंदी काटा है क्योंकि उसने सरेआम लंदन में आने का वक्त भी बता दिया है और रास्ता भी। Understand? I am sure. आज चेक जरूर पकड़ा जाएगा। बड़ा सुकून से बैठा इंस्पेक्टर, शायद तुमको गलतफहमी है कि चेक नहीं आएगा। जो अरेंजमेंट हो चुका है, अगर चेक पाल कार्ड नहीं तो कभी नहीं आएगा। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारा मुल्क की गलियों में 12 बजता है तो चेक जरूर आएगा। मौत को सर पर देख कर शायद तुम्हारा खोपड़ी ने काम करना छोड़ दिया। इंस्पेक्टर, क्या चेक आएगा? आज के बाद तुम्हारा मुल्क की गलियों में 12 कभी नहीं बजेगा। मगर मश में निकल लिया। फिर भी मैं गरिंगो को इधर से कहीं और ट्रांसफर कर देना चाहता हूँ। सर, अगर इनके साथी ने रास्ते में हमला कर दिया तो? जो इधर नहीं आया वो रास्ता क्या रोकेगा, और अगर वो आया तो हमारा साथ मुसल्ला गर्द होगा। Come on, move! मुसीबत चल गया। पहली बार ऐसा हुआ है सर कि जो दावा जैक पॉल ने किया है वो पूरा नहीं कर सका। दावा जैक पॉल का हो और पूरा ना हो, ये दुनिया का आखिरी उजूबा होगा ऑफिसर।
ये आप कह रहे हैं सर? ये तुम्हारा बाप कह रहा है ऑफिसर। डेविड, तुम? डेविड नहीं, अपना दादा कहो। तुम जैक पॉल के भाई होकर एक 5 फुटे इंसान से मार खाकर आ गए हो। नहीं जैक, कभी कभी बहादुरों को नजरें खा जाया करती। इसे कुत्ते खा जाते, लेकिन नजर न खाती। तो, वो सूरमा रहता कहाँ है? जिस सेठ ने मुखबिरी की थी जैक, वो उसी का मुलाजिम है। ठीक है, अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। छत पा के वेख गुंडिया, ये किरली उड़ना सब बन के तेरी नक ते न लड़े। एक बात बताओ, तुम कितनी जल्दी मरना चाहते हो? मेरा आदत है, जब तक मेरा शिकार तड़प तड़प कर अदम होया ना हो जाए, मैं उसे जिबा नहीं करता। ते मेरी भी आदत है कि बुरा सामने आ जाए ते मैं उनु ते घर तक छड़ के आंदा जी। मेरा ईमान है, तुम मुझे नहीं जानते। मैं वो बदमाश हूं जो तुम्हारे में चला जाए तो तुम्हारे 5 दरियाओं का पानी उल्टा चलना शुरू कर दे। ओए बदमाशी दा रोब किन पे देना है? ओए पैन बदमाशी, मेरे घर दी लौंडी रही है लौंडी। मेरा अपना भरा बदमाश है, जिथे पहुंच जाए ते जैक पॉल जमण वालियां मावां पुत्र जमने छड़ देन पुत्र जमने। सामान के साथ साथ इसके भाई को मेरा सलाम भी पहुंचा देना। मैं तो दसदा क्यों नहीं किथे चले हैं? ओहो लाला, हुन दस भी देना, क्यों मान परेशान कीते? ओ जे तुहानू सारेयां नू दस दित्ता ना ते गशी पै जानी है। गशी हुन ते इत्थे पुछ के ही रहांगियां। ओहो गुड्डो, मुन्ने का तार आया है। आहो, उन्हें लिखे मैं अपनी भैन जहेज लैके आ रहा वहां। आहो मां,
बाबरे, मेरा मुंडा भी नाल आ रहा है। नहीं नहीं, उन्हें लिखा है कि मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। लो तुम हूँ बैठो, मैं जाके भाई जादा दे अड्डे तो सामान ले आऊ। अच्छा, मेरे तारिक ने अपनी भैनों का पास फिर तो लाने की जहेज भेज ही दिता है।
सकता, नहीं रो सकता। मुन्ने मुन्ने की हो गया, मुन्ने की हो गया। तेन कि नजर खा गई है बेईमाना, पर तेन कि नजर खा गई है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी बदमाशी की तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मुझे तुम्हें देखने का बहुत शौक पैदा हुआ, इसलिए तुम्हारी बहनों के जहेज के साथ साथ तुम्हारे लाडले भाई की लाश भेज रहा हूँ। इस लाश और जहेज के साथ साथ मेरा पुरखलूस सलाम कबूल करना। तुम्हारा मुंतजिर जैक। तेरा सलाम कबूल किया या रब, तेरा बदमाशा रब तनु मेरी जिंदगी भी देवे, मेरे आंटी का चूंदा रवि है को की गई बातनी मैं चूंदा था। जब मर गया तो फिर मैं यूरोप की किसे माँ ने पुत्र को चूंदा रही सजाऊंगा। अच मैनू ना चक्की ला, मैनू ना चक्की, हाथ तुझे दिन किसे ना किसे मुसलमान दी लाश आंधी रहेगी पाला आंधी रहेगी। तारक नु तेरे को ले ली तेरे सी
भेजा कि तू उनको बहुत पसीना टोरे। तू रोज सफर के जांच और रोक क्या क्यों भी राणा, जिस सफर से टुरड़ा मुसाफिर कभी भी मुड़ के वापस नहीं आते। जो राजी हो गया तेन भुल जा वापस, तारक तक कतल कयामत तक याद रहेगा मुंडिया। मैं तारक के कातलों अगले जहान में सुख न ले लैन दियांगा। तू सिर्फ मैं इन्ना दस दे कि यूरप का खुंडा रहना चाहिए। तू लभद लभद तो यूरप की अद्धी पुलिस मुअत्तल हो गई, तू उन्होंने कितने लभेगा। जमीन के आसमान के दरमियान कोई ऐसी थां नहीं है जड़ी मेरे तारक के कातल को बना दे सके। बाबर दूसरा पहला दस दे पता कोई नहीं जानता, उस गुम है जिसे पुत्र का पता ही कोई नहीं जानता। तू ऐ कर हां समझ के तानू मार देना।
दे जो जैक किस मुर्दे का ना है। जवाब छेती दो है, नहीं तो मैं सारे जैक समझ के मार देना जे। किसी डॉक्टर को बुलाएं, तुम्हारी तबीयत खासी खराब लगती है। ओए मेरे से अपने आप से चार मर्द शफाए। जे तुसी मेरे सवाल का जवाब ना दिता ते तुहाडे सदे नूं ओए तुहाडी खूनी दस देंगा। खाने का खर्चा देकर इससे जान छुड़ाओ। हाँ, तुम्हारे दुश्मन का नाम क्या है? ओता नाम तुम वाकई जैक की तलाश में हो? इसकी एक शर्त है। मैंने हर शर्त मंजूर है। यहाँ से 15 मील दूर लंदन के शिमाल में जैक के भाई का अड्डा है, ये उसका पता है। उसकी लाश लेकर आ जाओ, जैक खुद बखुद तेरे सामने आ जाएगा। तुम मेरा इंतजार करी, ओदी लाश सीधी तेरे को लावेगी। मैं तेरा प्यूआ और
एक कदम कदम से मैनु दो दोस्त सिराले बंदे मिलनगे, पर तेनु कलियां वेख के बड़ा अफसोस होया वे। हाँ खड़े जमीन पर हो, बातें आसमां की कर रहे हो, दमाद तो नहीं चल गया तुम्हारा? छेती छेती यकीन तो आए कि तू वाकई जैक दा भाई। ये जवाब देर नाल मिलिया ते तेरी जान भी बड़ी देर नाल निकलेगी। पहले बाजू पर काट कर यकीन तो कर लो, ये ख्वाब ना ही हकीकत। फिर अपने प्राण में बाज मार रहा है मुक जैसे चंगा है। खुले मैदान च इंतजार कर रहा वा। जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा भेजा है जैक। क़यामत बर्पा कर दूंगा कि तोहफा भेजने वाले को दुनिया की कोई ताकत तो क्या।
तेरी कसम प्यार दर्शता तोड़ नहीं सकदा कोई, तोड़ नहीं सकदा कोई। मैं दुनिया नो अग लानी है, मैं दुनिया नो अग लानी है, ये तेरी ना होई, ये तेरी ना होई। ठीक मौके से आया दोस्ता, लगता है इस मौत नु भी जैक दे सर ते लेके तू ही जाएगा। क्या ये सच है? उसके भाई को तुमने ही कत्ल किया? ओए ओदा ते मैं खोट भी पा रहा दोस्ता, पर वो जैक हाली तीकर मेरे सामने नहीं आया। जिदे बारे तू मैंने दसा सी ना कि ओदे भरा नु चीट भी आ जाए तो अदा लंदन मार देंदा। आधा लंदन मरे ना मरे, लेकिन तुम्हें मरता हुआ सारा लंदन देखेगा। ओए पहला ओ सूर मैनू ते सामने लिया जिनू जैक कहंदे ने। आंखों में आंखें डाल कर देखो, जैक तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे दिल की धड़कन कायम है या बोलने के लिए ताकत का इंजेक्शन मंगवा दूं? मेरी मन से अपने सारे बंदे बुला लो, जाती कर लाशां दा ढेर मेरे सिर तक नहीं आ जांदा, मैं मैदान नहीं उछलना। समझ नहीं आती के पागलों को मेरे ही हाथों से कत्ल होने का शौक क्यों है? जदों तेरी लाश ही नुमाइश होवेगी, ऐथों दियां मावां ने ऐस बाबर दा नां लै लैके रोंदे बालां नूं चुप कराने ओ जैक। ऐसे सुहाने ख्वाब तुम्हें लाहौर में नजर आते होंगे। यहाँ तो पहले ही मुक्के से दूसरी दुनिया नजर आ जाती है। तेरी खुशकिस्मती है वे जैक के तेरे सामने बोतल नाल दूध पीने वाले बच्चे आंदे रहने। ए पी मिट्टी है एनू छेड़न वाले दा का कंडा नहीं रहंदा। ये किसी फिल्म का सीन सुना रहे हो या अफसाने का सफा पढ़ रहे हो? जानते हो मैंने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मारा? सिर्फ इसलिए कि आज तक मुझे ऐसा जख्म किसी ने नहीं लगाया। अब सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें मारूं तो किस तरह मारूं ताकि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। और ते सिर्फ तेरा पिंडा ठंडा होगा जैक। Yeah!
था, छेती छेती जाके राणू बुला के लिया। मैं मौत के मैदान जान तो पहलो पहलो राणू के अपमान में स्नेहा भेजना चाहता हूँ। छेती छेती उसे तू अपन जरूर आएगा।